फ्रेंड्स हमने भर लिए हैं, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सच में अद्भुत लग रहे हैं। और वाकई में ही हर गेट पे सतिया जरूर होना चाहिए क्योंकि इससे नेगेटिविटी दूर होती है। ठीक है, अभी आपने आया तो मेरे को गाना है रसे रुक जा ओ दिल दीवाने। मैं भी लगवाया हूँ अपने मेहंदी का कलर। ऑब्वियसली आप भी जाओ, थोड़ा घर में शांति मिले, जाओ। ओ मम्मी, मैं जाता हूँ तुम्हारी मम्मी को लेने, उनकी मेहंदी लग गई होगी, वरना मम्मी मेरे को कुछ ज्यादा ही प्यार करेंगी। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम कर रहे हैं अपनी रक्षाबंधन की तैयारी। जैसा कि कल है रक्षाबंधन, तो हम कर रहे हैं रक्षाबंधन की बहुत सारी तैयारियां। हाँ, ये ब्लॉग आपको लेट देखने को मिलेगा, बट हमने सोचा ब्लॉग बनाना तो जरूरी है, आपको पता तो लगे हम कैसे क्यूट सिस्टर की फैमिली कैसे रक्षाबंधन मनाती है। फ्रेंड्स, हम अपने हर गेट पे और मेन जगह पे ये स्वास्तिक लगाते हैं, और इसमें देखो फ्रेंड्स ये क्या है, सबकी मम्मियों को पता होगा, किस किस की मम्मी को पता है, जरा मम्मियां कमेंट करके बताएं कि मम्मियों को पता है या नहीं पता। ये है गेरू, हम इसमें गेरू से भरते हैं, और स्वास्तिक लगाना बहुत बहुत अच्छा होता है मेन गेट पे, क्योंकि उससे ना नेगेटिविटी दूर होती है। तो चलो बच्चों भरे, देखो फ्रेंड ध्वनि चुटंकी को सब पता है, मम्मी बड़ा वाला भरती है, सब याद रहता है इसे। अभी गेरू मेल्ट भी नहीं हुआ है अच्छे से, मैंने बहुत देर से भिगो रखा है, आजकल मार्केट में सब... तब से। हाँ तब से फ्रेंड्स हमने भर लिए हैं, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सच में अद्भुत लग रहे हैं। और वाकई में ही हर गेट पे सतिया जरूर होना चाहिए क्योंकि इससे नेगेटिविटी दूर होती है। तो चलो इसे सुन लेते हैं। हाँ तो चलो, मिक्स हो गए सारे। मैंने दादी फ्रेंड्स, मैंने ना मेरे को याद है जितना मैंने ये भरा था। फ्रेंड्स ये तो ये दिखाते रहिए कि ये भरा था। हाँ सारे आप दोनों ने भरे, मैंने कुछ नहीं भरा है। तो चलो मैं चलती हूँ, जरा 10 मिनट इन्हें सूखने देते हैं, उसके बाद फिर मुझे सारी वॉल पे लगाने भी है। तो चलो जल्दी से करें। A few moments later. तो फ्रेंड्स ये सारे सूख गए हैं, और अब हम इन पे लगाते हैं टेप और लगाते हैं इनकी जगहों पे। तो चलो लगाएं। Yes. सबसे नीचे जहाँ पे हम जैजो करते हैं ना, वहाँ लगेगा। तो सबसे पहले हम नीचे यही लगा कर आते हैं। रुक जा देख लेते सेंटर में। हाँ जी यशना जी, बिल्कुल सेंटर में है ये, इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दो बिल्कुल। मम्मी जी सेंटर है, चलो आपका दिमाग सेंटर है मम्मी। फ्रेंड्स हम इस वाली वॉल पर राखी की पूजा करते हैं, और मैं सोफों की सारी सेटिंग ऐसे कर देती हूँ। आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ सारे काम करने में, पापा ऑफिस से अभी आए हैं, बच्चा पार्टी तो स्कूल चली गई थी, तो किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, बस सतिया वर्मा ने मेरी हेल्प करी। चलो 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 तो फ्रेंड्स हमने सारे सतिये लगा दिए हैं, तो अब मैं रात को इनके मेहंदी लगवाने जाऊंगी। तो चलो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, और सुबह से मैं और फ्रेंड्स मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं यहाँ यहाँ तक मेहंदी लगाऊंगी। कहाँ कहाँ तक? और मैं यहाँ और यहाँ तक लगवाऊंगी। फ्रेंड्स अब आपको देखना ही पड़ेगा इसने कहाँ कहाँ तक मेहंदी लगवाई, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। कहाँ तक देख रहे हो? ये तो मुझे जूडो कराटे वाली स्किल्स लग रही है। यहाँ तक। और तुम कहाँ तक लगवाओगी? पहले इन बच्चों का निमट जाए, फिर मैं लगवा लूंगी, मैं भी लगवाऊंगी। चलो
लगूंगी, मैं भी तो मैं भी लगवाऊंगी। ये भी ठीक है हाँ, बट ये नहीं पता कहाँ तक लगवाऊंगी। ठीक है चलो ठीक है ठीक है, सबसे छोटा मीडियम बिग। तो चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। Later that same evening. तो फ्रेंड यहाँ पे फाइनली जिनी के मेहंदी लगनी शुरू हो गई है। और अगर इन भैया ने अच्छी नहीं लगाई तो फिर हम इन्हें बताएंगे। क्या बताओगे इन्हें आप? अच्छी मेहंदी लगाओ जिनी के ना। जिनी तो आपने कैसी मेहंदी चूज करी है? मैंने यहाँ पे मतलब सामने की तरफ तो पूरा भरा हुआ। ऐसा खाली हाथ चाहिए आपको? पूरा भरा हुआ चाहिए। और पीछे की तरफ मेरे को बेल चाहिए। बेल चाहिए, बेल की जगह वो बनवा ली हो। ये देख भैया ने दीपक बना दिया है। दीपक का बना दिया। मामा का नाम आप ऐसे ले रहे हो? मामा का नाम दीपक है। और ये तो क्या सोनू की हाँ, हम तो प्यार से दीपू दीपू बोलते हैं उसे। हाथ मत हिला। और यहाँ पे हमारी धोनी, धोनी की मेहंदी शुरू हो गई है। चटंके की मेहंदी लग रही है। धोनी कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ज्यादा। हिलो मत वरना मेहंदी खराब हो जाएगी, फिर भैया को बोलोगे आप। तो फ्रेंड्स फाइनली इन बच्चों की मेहंदी लग गई है। ध्वनि आर यू एक्साइटेड? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए एक्साइटेड हो आप? बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। और तूने पोर में क्यों नहीं लगवाया? पोर में मेरे को नहीं पसंद ब्रांड, उसमें आधी उंगली तो उसी से भर जाती है। बताओ इतनी सुंदर लगता है। डिजाइन बनवाओ, डिजाइन में क्या प्रॉब्लम? फ्रेंड्स देखो ध्वनि के छोटे छोटे। फ्रेंड्स ये देखो चीनी की मेहंदी कैसी लग रही है फ्रेंड्स? माय मेहंदी आउट ऑफ 10 रेट 1 आउट ऑफ 10 और ये है ध्वनि की। देखो कितनी ध्वनि ये ब्लू ब्लू मेहंदी कहाँ से आई बीच में? पीछे करियो पीछे। ये ब्लू मेहंदी कहाँ से आई मिडिल फिंगर पे? ये पेन चला हुआ है, पेन है ना। पेन ध्वनि दूसरा हाथ की भी दिखाओ। तो अब तुम दोनों को पता है ना क्या करना है? तुम्हें एक घंटे तक ऐसे ही बैठे रहना कि मेहंदी खराब ना हो। बताओ इसके बाल अच्छा तो हाँ जी नहीं आप कुछ कहने वाले थे? मैं ये कहने वाली थी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है जो वो। तो बेटा मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है और शायद आपके फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छी लग रही होगी। क्योंकि मेहंदी वाले अंकल ने कहा ऐसे रखो वरना हाथ खराब हो जाएंगे। कुछ नहीं है, तेरा कलर आना शुरू हो गया। मैं भी लगवाया हूँ अपनी मेहंदी का कलर। Obviously, आप भी जाओ थोड़ा घर में शांति मिले जाओ। मतलब मेरे मेरे से आप शांति रहती है। कमाल है ना इसका। लो चले हम जल्दी जल्दी हम ये तो चले जी लो चले हम। बच्चों क्या कर रहे हो तुम? अंताक्षरी खेल रहे हो मतलब तुम्हें? तो रिएक्शन ही खराब है आपकी। डाउट ना हरे राम हरे राम से गाने राम गा का मंजोली का ध्वनि बन बन टिक टिक बन शुरू कर दे। ध्वनि आपको आता है? ध्वनि आपको आता है रहस्य गाना? दोनों के पॉइंट खत्म। ये रहस्य रुक गया, सोचने दो मेरे को, सोचने मेरे को टाइम लग सकता है। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। का ध्वनि का कैसे रुक जाओ कैसे। चलो तुम लोग अपनी अंताक्षरी खेलते रहो, मैं जाता हूँ तुम्हारी मम्मी को लेने, उनकी मेहंदी लग गई होगी वरना मम्मी मेरे को
कुछ ज्यादा ही प्यार करेंगी। पता है क्यों पता है तुम्हें? बताऊं जवाब बताऊं? बच्चे मन के सच्चे। One hour later. तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे आ गई है एशना की मेहंदी। तो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करना। और एशना तुम्हें मतलब मजा आया, मतलब बच्चों के बिना तुम वहाँ अकेली बैठी हुई थी? अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, कोई भी नहीं था वहाँ पे ना, मतलब कमी सी महसूस हो रही थी बहुत। चलो अब सारे एक साथ अपनी मेहंदी दिखाओ मुझे। फ्रेंड्स आप कमेंट करो कि आपको सबसे अच्छी किसकी मेहंदी लग रही है। एक ही बताना और आप ध्वनि को बताना। तो फ्रेंड्स वी होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।